आप देख रहे हैं श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी प्रमाणिक और विश्वसनीय खबरों का पहला डिजिटल बुलेटिन दिन भर। सभी दर्शकों का स्वागत। आइए चर्चा करते हैं आज 3 दिसंबर 2020 की खास खबरों की। विस्तार से चर्चा करने से पहले देखते हैं आज की खास सुर्खियां। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के लिए खुशखबरी, सिकंदराबाद तक की यात्रा हुई आसान। कस्बे में दहेज के लिए दो बहनों का घर उजड़ा, थाने पहुंचकर मांगा न्याय। कोरोना की रफ्तार क्षेत्र में टूटी, क्षेत्रवासियों ने ली राहत की सांस। दिवंगत नेता माणिकचंद सुराणा को नमन करने क्षेत्रीय नेता पहुंचे बीकानेर। आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के निवासियों के लिए आज एक अच्छी खबर आई है। अब श्री डूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद हिसार सिकंदराबाद सुपरफास्ट का प्रारंभ होने जा रहा है। इस लंबे रूट की गाड़ी का श्री डूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव होगा। विभाग ने इस गाड़ी का रूट चार्ट जारी कर दिया है। यह सुपरफास्ट ट्रेन सप्ताह में दो फेरे करेगी तथा सिकंदराबाद से यह सवारी गाड़ी 8 दिसंबर से मंगलवार व बुधवार को रवाना होकर गुरुवार व शुक्रवार को दोपहर करीब 2:15 बजे श्री डूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। हिसार से रवाना होकर गाड़ी सप्ताह में 2 बार शुक्रवार व रविवार को शाम 4:20 पर श्री डूंगरगढ़ पहुंचेगी और क्षेत्र से सिकंदराबाद की ओर जाने वाले सभी यात्रियों को इसमें सफर की सुविधा मिल सकेगी। स्टेशन अधीक्षक राजेंद्र सोनी ने टाइम्स को बताया कि श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में यह ट्रेन बहुत उपयोगी साबित होगी और इस रेलवे स्टेशन से अब जोधपुर, अहमदाबाद, सूरत, जलगांव और सिकंदराबाद तक सीधा जुड़ाव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के बारे में श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र से बड़ी संख्या में नागरिक पूछताछ भी करते हैं और अब पूरे क्षेत्र के यात्रियों को इससे बड़ा लाभ मिल सकेगा। रेल संघर्ष समिति के अध्यक्ष तोड़ाराम मारू ने विभाग व सांसद अर्जुना मेघवाल का आभार प्रकट किया है। श्री डूंगरगढ़ में एक और जहां दहेज नहीं लेकर कुछ प्रगतिशील परिवार इस कुरीति को बंद करने की प्रेरणा समाज को दे रहे हैं, वहीं आज श्री डूंगरगढ़ थाने में एक ही घर में दो भाइयों संग ब्याही दो बहनों ने दहेज प्रताड़ना में न्याय मांगा। मामले की जांच थानाधिकारी वेदपाल शिवराण करेंगे और शिवराण ने जानकारी देते हुए बताया कि कस्बे के आरसरबास निवासी शारदा सारसवा पुत्री सोहनराम सारसवा ने रोड़ा नोखा निवासी अपने पति हेमराज देवर गजानंद सास लक्ष्मी देवी ससुर भीमाराम नंदे सुमन देवी और सरोज देवी पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। पार्थिया के पीहर में आज समाज के लोगों द्वारा तीसरी बार पंचायत की गई, परंतु आरोपी गण 1 लाख नगद और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर अड़े रहे। आरोपियों ने स्त्री धन लौटाने से मना करते हुए धक्का मुक्की की और अब पार्थिया ने पुलिस से स्त्री धन दिलवाने व आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। बीकानेर जिले सहित श्री डूंगरगढ़ में भी कोरोना से राहत नजर आने लगी है। गुरुवार को बीकानेर में 1539 सैंपल में आज मात्र 39 पॉजिटिव रिपोर्ट हुए और श्री डूंगरगढ़ में बुधवार को श्री डूंगरगढ़ चिकित्सालय में 72 तथा पूर्णरासर से 44 जांच के लिए सैंपल लिए गए थे। ब्लॉक CMHO डॉक्टर संतोष आर्य ने बताया कि पूर्णरासर के सभी 44 सैंपल नेगेटिव रिपोर्ट हुए हैं तथा श्री डूंगरगढ़ में 63 नेगेटिव रिपोर्ट हुए हैं और 9 सैंपल अंडर प्रोसेस हैं। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में अब मात्र 12 कोरोना एक्टिव केस हैं। आर्य ने कहा कि क्षेत्र के नागरिक लापरवाही नहीं बरतें और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। क्षेत्र के कद्दावर नेता माणिकचंद सुराणा का राजनीतिक सफर आज के युवाओं के लिए प्रेरणीय है। सुराणा ने जन नेता की छवि को गढ़ा और पार्टी के दिग्गज नेताओं को भी उनकी कमियां बताने में कभी नहीं झिझके। ये विचार भाजपा देहात जिला अध्यक्ष ताराचंद सारसोत ने बीकानेर की विश्व धर्मशाला में सुराणा को श्रद्धांजलि देने के बाद कही। आयोजित सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा में श्री डूंगरगढ़ से शिवस्वामी, रामगोपाल सुथार, रामेश्वरलाल पारिक आदि नेता कार्यकर्ता सुराणा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उनके राजनीतिक सफर से प्रेरणा लेकर जनहित की राजनीति के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। ये थी आज की खास खबरें। कल फिर हाजिर होंगे श्री डूंगरगढ़ की सभी प्रमाणिक और विश्वसनीय खबरों के साथ। आप क्षेत्र के पहले डिजिटल बुलेटिन से जुड़े और सभी राजनीतिक, आपराधिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समाचारों के साथ अपडेट रहें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शुभ रात्रि।